Today I have a new makeup to show, which I call casual makeup tutorial. So without further ado, let's see how I do the makeup. तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम कर लेंगे. तो हम एक प्राइमर यूज कर रहे हैं क्रिस्टीन का, जिसको हम अपने फेस के ऊपर एप्लीकेशन इसकी कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले हम अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लेंगे. जैसे कि अब थोड़ा सा मेकअप में ट्रेंड चेंज हो चुके हैं कि सबसे पहले कंसीलिंग की जाती थी, लेकिन अब जैसे कि हमारी बहुत सी फाउंडेशन है जिनकी कवरेज बहुत अच्छी है, तो हम लोग फाउंडेशन पहले लगा लेते हैं, जिस उससे जितनी कंसीलिंग आती है वो हमारी हो जाती है, वो ठीक है. उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं कंसीलिंग वाले, तो उसके बाद हम फाउंडेशन लगाने के बाद हम कंसीलर यूज करके तो उसकी कंसीलिंग करते हैं. Now I am applying this concealer to the dark circle areas. और अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा पाउडर का है. फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो पाउडर था. उसे हम इसलिए यूज करते थे कि हमारी जितनी भी हम वो कंसीलिंग की जो लेयर होती है, फाउंडेशन की जो लेयर होती है, वो उसको फिक्स करता था. और दूसरा इसका पर्पज होता है वो ये मैटिफाइंग करता है, जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर ऑयल आया हुआ होता है वो उसको ऑयल फ्री करके मैट करता है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉन्टोर का. जैसे कि हम बर्थडे पार्टी लुक कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कॉन्टोर जो करेंगे वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं करेंगे. हमारी जो मॉडल है या जो भी फीमेल करनी है, वो सिर्फ अपने इनके जो फीचर्स हैं हम सिर्फ क्लाइंट के जो फीचर्स हैं उनको इनहेंस करना होता है. तो उसकी जो क्लाइंट के जो लाइन्स है, वो अपर जो लाइन, लोअर जो लाइन, उन पर हम लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर देते हैं, ताकि हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं वो इनहेंस हो जाए. ओके, अब हम इनको चीक्स के ऊपर थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए पीच कलर का ब्लश दे रहे हैं, ताकि बहुत सी फ्रेश सी लुक आ जाए.
ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा है लाइनर का, आप ऊपर देखिएगा। हम सबसे पहले यहाँ से आउटर वी से एक स्ट्रोक निकालते हैं बनकर, और इसके मिड से इसका सेकंड स्ट्रोक निकालते हैं एंड इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा विंग में लाइनर लगेगा। बंद रखिएगा। अब हम आइस की जो वाटर लाइन है उस पर हम आइवरी लगाएंगे इस तरीके से, ब्रश की बैक साइड से वन स्ट्रोक में। इससे जो है आंख बहुत खुली हुई और बहुत अट्रैक्टिव सी लुक आती है। ऊपर अब हम मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे। मस्कारा की जब एप्लीकेशन करते हैं तो सिर्फ नीचे वाली साइड से हमने नहीं लगाना था, दो बार नीचे से और एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोग ब्रश जो है मस्कारा का चलाते हैं, ताकि इवनली जब हम बेस लगाते हैं तो जो पाउडर वगैरह हमारे लेशेस पे आ जाता है वो सारा अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर जो है हमारे जितने भी हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, स्पेसिफिकली ये जो हमारी बोन होती है यहाँ पे, वो उस जगह पर लगाते हैं। इससे बड़ी फ्रेश लुक आती है और इसी की वजह से आपको ये जो यंगर लुक भी हाइलाइटर की ही वजह से मिलता है। थोड़ा सा ब्रिज ऑफ नोज पर I hope you like my makeup tutorial and you will try it at home. Thank you so much.